Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Students, exercise 4.3 is omit. So we will do practice exercise. Hello students, in the previous video we have done exercise 4.2. So now today we will question number 1 is multiply the following only single digit sums. Number A is ones, tens, hundred. Ones mein hai hamara 6, tens place par 4, 100 place par 1. This is called multiplicand. Multiply by 6. 6 jo hoga hai hamara multiply. अब हम क्या करेंगे 146 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से. सो हम स्टार्ट करेंगे पहले वंस प्लेस से. वंस प्लेस पर है 6. 6 मल्टीप्लाई 6. 6 6 टाइम्स इन 6 6 आ 36. जैसे हम लिखते हैं तो 6 लिखेंगे हम वंस प्लेस पर और जो नेक्स्ट 3 है वो हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे टेंस प्लेस पर. नेक्स्ट टेंस प्लेस पर आ जाएंगे 6 मल्टीप्लाई 4 इन 6 4 आ When 6, 4 times. 6, 4s are 24. 24 में 3 plus किया तो हमने carry forward किया 25, 26, 27. जैसे हम 7 है वो हम 10 place पर लिखेंगे और next जो 2 है वो हम 100 place को carry forward कर देंगे. Next 100 place पर है 1. 6 multiply 1 means 6 1 times. 6 1s are 6. 6 से जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया 100 को 2 वो प्लस कर देंगे. 6 पे प्लस 2 किया तो नंबर आया 8. दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट. 800 7 10 6 1 मींस आवर प्रोडक्ट इज 876. नाउ नेक्स्ट इज 1s 10s 100 1000. 1s प्लेस पर 0, 10s प्लेस पर 5, 100 प्लेस पर 2. Then multiply by 7 means 250 को multiply करना है किसे 7 से. 250 हमारा multiplicand, 7 is multiply और हमें find करना है product. So हम start करेंगे पहले ones place से. 7 multiply 0 means 7 0 10. अब हमने पहले देखा है अगर हम 0 को 7 से या किसी भी figure से multiply करते हैं तो हमारा number as it is 0 का 0 ही आता है. 7 zeros are 0. नेक्स्ट टेंथ प्लेस पर हमारा 5 है. 7 मल्टीप्लाई 5 मीन 7 5 टाइम्स. 7 5s आर 35. हम 35 इस तरह से लिखते हैं. ये 5 हम लिखेंगे टेंथ प्लेस पर और जो नेक्स्ट 3 है वो हम 100 प्लेस को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. 100 प्लेस पर हमारा 2 है. 7 मल्टीप्लाई 2 मीन 7 2 टाइम्स. 7 2s आर 14. 14 में हम 3 को प्लस कर देंगे और हमने कैरी फॉरवर्ड किया 15, 16, 17. अब हम 17 कैसे लिखते हैं? 7 हमने लिखा जो हमारा नेक्स्ट है 1 वो हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट प्लेस पर. लेकिन यहाँ हमारा कोई फिगर नहीं है तो हम क्या करेंगे एज इट इज 1 हम नीचे ले आएंगे. हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा 1750. नेक्स्ट नंबर सी इज ones, tens, hundred, thousand. Two ones, zero tens, 600. Multiply by 8. Means 600 two को हमें multiply करने के से 8 से. तो 600 two हमारा multiplicand, 8 is the multiplier and जो answer हमारा आएगा वो हमारा हो जाएगा product. So हम start करेंगे ones place से 8 multiply 2. Means 8 को multiply करने 2 से means 8 two times. 8 twos are 16. हम 16 इस तरह से लिखते हैं तो ये 6 हम लिखेंगे 1s प्लेस पर और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 10s प्लेस पर. नेक्स्ट 10s प्लेस पर है 0. 8 मल्टीप्लाई बाय 0. सो 8 को हम 0 टाइम्स 8 0s आर 0. 0 में हम जो कैरी फॉरवर्ड प्लस करेंगे वो है 1. सो हम 1 नीचे लिख रहे हैं. नेक्स्ट 100 प्लेस पर है 6. 8 मल्टीप्लाई 6. 8 6 टाइम्स 8 6 आर 48. अब हम 48 किस तरह से लिखते हैं? ये 8 हम लिखेंगे 100 प्लेस पर और नेक्स्ट 4 एंड 1000 प्लेस पर ले जाएंगे. लेकिन अब हमारा 1000 प्लेस पर कोई भी फिगर नहीं है सो हम
याद है, हमारा आंसर होगा 4,800 1 10 6 1s मीन 4,816. नेक्स्ट इज 1s 10s 100,000. 1s place पर 2, 10s place पर 6 एंड 100s place पर 5 मल्टीप्लाई बाय 8. अब 562 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो हमारा 562 है मल्टीप्लीकेंट, 8 इज द मल्टीप्लायर एंड वी विल फाइंड द प्रोडक्ट. सो स्टार्ट करेंगे 1s प्लेस से, 8 मल्टीप्लाई 2, 8 2 टाइम्स, 8 2 जा 16, हम 16 लिखेंगे, 6 लिखेंगे 1s प्लेस पर और 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 10s प्लेस पर. नेक्स्ट आ जाएंगे हम 10s प्लेस पर, हमारा 6 है, 8 मल्टीप्लाई 6 मींस 8 6 टाइम्स, 8 6 जा 48. 48 में हमने 1 प्लस करना है, कितना है 49, ये हम 9 लिखेंगे 10s प्लेस पर और 4 को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 100 प्लेस पर. नेक्स्ट 100 प्लेस पर हमारा है 5, 8 मल्टीप्लाई 5, 8 5 जा 40. 40 में जो कैरी फॉरवर्ड है 4 वो प्लस करेंगे तो हमारा नंबर आएगा 40, के बाद हम प्लस करेंगे 4, 44. तो हम 44 इस तरह से लिखते हैं, 4 हम लिखेंगे 100 प्लेस पर और जो नेक्स्ट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा हमारा 1000 प्लेस पर. कोई भी गलत नहीं, तो एज इट इज 4 को हम नीचे ले आएंगे. हमारा प्रोडक्ट है 4,400 9 10 6 1s मीन्स 4,496. So students, you have to practice all these sums in your notebook.